यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान कांग्रेस को और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि एक और पोस्टर गर्ल पल्लवी सिंह ने शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गई। पल्लवी सिंह कोई पहली पोस्टर गर्ल नहीं जो बीजेपी में शामिल हुई है, बल्कि इससे पहले प्रियंका मौर्य और वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गई थी। दोनों ने बीजेपी में ज्वाइनिंग करने के बाद प्रियंका गांधी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा सपा के चार बार के पूर्व विधायक छोटेलाल यादव, सपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे संदीप सिंह चौहान, कानपुर के पूर्व सपा जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव, पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिकेश सिंह, सपा नेता अरविंद सहाय कुशवाहा, बसपा नेता बालाजी भार्गव और राघव वर्मा समेत सैकड़ों लोगों ने बीजेपी सदस्यता ग्रहण की। बहुत ऊपर है आपके, मिलेगा ये मिलेगा, बट उस तरीके का सम्मान महिलाओं को वहाँ नहीं मिल रहा है। क्योंकि यदि देखा जाए तो आपको बाहर से महिलाएं देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने अंदर अपने पदाधिकारियों की तरफ भी देख सकते हैं जो योग्य है। आपको 100% योग्य महिलाएं आपको अपनी पार्टी में मिलेंगी, पर उनकी तरफ ना ध्यान देके आप बाकी इधर उधर के लोगों को देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा रीजन है। कि आप भी कहीं से टिकट चाह रही थी? बिल्कुल भी नहीं, मैंने उनका सिलेक्शन का जो प्रक्रिया देखी उससे ही मैं खुश नहीं थी। इस वजह से मैंने टिकट की मांग ही नहीं की, क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रहे हो, सबसे बोल रहे हो कि आप लोग जैसे 40% आपने बोल दिया तो सभी अप्लाई कर रहे हैं, उसकी जगह आपको एक स्क्रीनिंग कमेटी रख के उस हिसाब से कार्य करना चाहिए। आप देखो कि आपके यहाँ कौन योग्य महिलाएं हैं जो एक जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, जो एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, आप उनको देखिए, उनको आगे ले जाइए, ना कि आप सबसे बोलिए कि आप सभी अप्लाई करो टिकट के लिए। देखिए प्रक्रिया मुझे परेशानी के बारे में प्रियंका जी को बताया आपने, कोई बात बताई उनसे? देखिए यहाँ पे हर चीज़ें, कोई ज़रूरी नहीं आपकी हर बात हर जगह पहुँच जाए, सीधी सी बात है। तो वहाँ मैंने बताया ना आपको, महिलाओं के लिए महिलाओं का सम्मान नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ा रीजन। कांग्रेस ने आप लोगों पे इतना भरोसा किया, मतलब पोस्टर में एक बड़ी जगह दी, प्रेस दिया, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की? देखिए सिर्फ पोस्टर पे आना ही मेरा मकसद नहीं था। पहली बात, मैं पिछले 5-6 साल से इसमें कार्यरत हूँ कांग्रेस में, और मैंने प्रभार भी संभाला है, बाराबंकी का प्रभार संभाला है, सोशल मीडिया में भी बैठी, यहाँ पे भी मैं काम कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पोस्टर पे दिया गया तो ये कि जो है आपको पोस्टर पे दिया गया है, आपको बहुत हाई वो दिया जा रहा है, इम्पोर्टेंस ऐसा कुछ नहीं। हमने बहुत कार्य किया है, और नॉर्मली आपको हमें कॉल गया और हम लोगों को सिलेक्ट किया गया, उसके लिए कोई डिफरेंट कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि जो दिया गया है। उम्मीद है आपको टिकट चाहती है बीजेपी से? देखिए मैं अभी कार्यकर्ता की तरह ज्वाइन कर रही हूँ, तो मैं पहले सेवा करना चाहती हूँ, पहले कुछ काम करना चाहती हूँ, जिसका मौका मुझे नहीं मिला कांग्रेस में। कितने लोग बचे हैं और क्या सबको आप भी कहेंगे कि वापस आ जाएं यहाँ पे? देखिए सबके पास अपना दिमाग होता है, सब अपने दिमाग से काम करते हैं, ठीक है। मैंने अपने दिमाग से काम किया, उनको आना होगा जिनको जहाँ उनके लिए सही लगेगा। आपके साथ पोस्टर में कितने लोग थे और अब कितने लोग बचे हैं वहाँ पर? आई थिंक 3 लोग हैं अभी, और जो बैक में है, मैं फ्रंट पे चल रही हूं, उनसे भी मैं फ्रंट पे थी, पीछे और थे 3 थे। ठीक, हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।